क्लासेस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन और आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है कुछ टाइम के अंदर यदि कोई डिस्टेंस कवर करता है टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर तो उसको हम बोलते हैं मोशन। ओके, तो जो मोशन के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट के अंदर डिस्टेंस कवर करता है तो उसके अंदर वो मतलब उसका जो उस ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम के अंदर कितना मतलब डिस्टेंस कवर किया है उसको यदि आप ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्लियर। अब हमें इस टॉपिक के अंदर दो जो पॉइंट है उसको हम क्या करेंगे कवर करेंगे। जो मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम दो तरह के ग्राफ सीखेंगे, पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उससे वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने टाइम के रेस्पेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन के अंदर कितना चेंजेस आया है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ करते हैं। मतलब डिस्टेंस मतलब एक ऐसा ग्राफ जो क्या बताए कि कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो इस ग्राफ से आप ये मतलब पता कर सकते हैं, जब ये आप ग्राफ बना लेते हैं ना डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उससे आप फिर ये मतलब पता कर सकते हैं कि इतने टाइम के ऊपर उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। क्लियर। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन शो करते हैं उसके लिए हम सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन एज शोन बिलो। मतलब जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन से मतलब शो करते हैं ओके तो उनका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो वो आपको कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मिलता है। ओके, क्यों मिलता है स्ट्रेट लाइन के अंदर, क्योंकि वो मतलब मतलब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर वो क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस जो होते हैं वो कवर करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस ग्राफ के अंदर ये जो ग्राफ है वो किसके अंदर है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक ग्राफ बनाया है इसलिए इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो टाइम को यहाँ पे लिया गया है मिनट्स के अंदर और जो डिस्टेंस जो है उसको मीटर के अंदर लिया गया है। क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ओके वो वन मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करती है, 10 मतलब मीटर कवर करती है। फिर नेक्स्ट जो 1 सेकेंड है उसके अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 20 मीटर कवर कर रही है। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड के अंदर कितना कर रही है, 30 मीटर कवर कर रही है। और फोर जो नेक्स्ट 1 सेकेंड है उसके अंदर कितना कवर कर रही है, 40। और जो नेक्स्ट 5 मिनट है उसके अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 50 कर रही है। इसी तरीके जो नेक्स्ट 1 मिनट है उसके अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 मिनट कर रही है। मतलब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल कितना है, 1 मिनट ओके और इक्वल टाइम ऑफ इक्वल डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है ओके तो मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि तो इससे हमें ये पता चलता है कि पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा मोशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहे हैं ओके तो जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं तो उनका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको मिलता है ओके तो आपको ये पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर बनता है। क्लियर। अब हम देखते हैं सेकंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस जो होते हैं वो शो करते हैं उसके बीच में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है। क्लियर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कर्व एज शोन बिलो। मतलब जो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करते हैं या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं उनका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आप बनाएंगे ना तो आपको कैसा मिलेगा, कर्व मिल सकता है, जिगजैग जो लाइन होती है वैसा मिल सकता है। तो आपको मतलब इस तरह का मतलब कर्व शेप का ग्राफ मिलेगा या जिगजैग लाइन वाला जो ग्राफ होता है वो आपको इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब
मतलब इस कंडीशन के अंदर आपको ये वाले ग्राफ मिलता है, क्लियर। तो आप देखेंगे कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसके बीच में डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच में आप ग्राफ बनाएंगे तो कर्व मिल जाएगा या जिगजैग जैसी लाइन होगी वो मिल जाएगी। क्यों मिलता है कर्व और जिगजैग? क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कवर करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी डिस्टेंस कम होता है, कभी ज्यादा होता है, फिर आप देखेंगे कभी कम हो रहा है, फिर कभी ज्यादा हो रहा है, फिर कभी कम, फिर ज्यादा। तो मतलब इसके अंदर क्या होता है कि टाइम मतलब इक्वल टाइम तो है, मतलब इक्वल टाइम का मतलब हर एक एक मिनट के अंदर मतलब आपको डिस्टेंस देखना है, लेकिन जो डिस्टेंस जो है वो इक्वली रूप से नहीं बढ़ रहा है, कभी डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज। तो इस तरीके से पैटर्न जो होता है वो चलता रहता है। तो इस तरह के पैटर्न के अंदर जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, या तो जिगजैग बनेगा या फिर कर्व लाइन जो होती है वो बनता है, क्लियर। अब हम देखेंगे कि तीसरी कंडीशन क्या है, कि तीसरा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट अ रेस्ट। मतलब उस मतलब तीसरा हमारे पास ऑप्शन है कि मतलब यदि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे पोजीशन में हो, रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर हो, तो यदि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा मिलेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि यदि कोई बॉडी क्या है रेस्ट कंडीशन के अंदर है, मतलब स्टेशनरी कंडीशन के अंदर है, तो आपको यदि उसके बीच में डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे उसका तो कैसा मिलेगा, आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, ओके। और ये जो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है, ओके। तो मतलब स्टेशनरी मतलब एकदम रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर। तो रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, तो टाइम तो क्या होता है मतलब बढ़ता जाता है, लेकिन जो डिस्टेंस जो होता है वो मतलब उस ऑब्जेक्ट का एक जैसा ही रहता है, क्लियर। तो आप देखेंगे कि सपोज यहाँ पे 1 मिनट है तो भी डिस्टेंस इतना है 50 मीटर, सपोज आप इस पोजीशन पे समझ लीजिए, इस वाली पोजीशन पे, ओके 50 मीटर है। अगर यहाँ पे आप 2 मिनट लेते हैं तब भी 50 है, 3 लेते हैं तब भी 50 है, 4 लेते हैं तब भी 50 है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सी पोजीशन के अंदर, रेस्ट वाली पोजीशन के अंदर है। रेस्ट वाली पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि वो मतलब उसने मतलब जो उसका जो डिस्टेंस जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ओके। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है उसके अंदर हमें स्ट्रेट लाइन तो मिलती है, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो किसके पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ये एक्स एक्सिस है, ओके। और ये हमारा है स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्ट्रेट लाइन जो है वो इस एक्स एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है, मतलब पैरेलल लाइन की होती है जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। ये वाली लाइन और ये जो टाइम वाली जो लाइन है वो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती है, तो ओके। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बीच में यदि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो वो भी आपको किल्सा मिलता है, स्ट्रेट लाइन ही मिलता है, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एक्स एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है, ओके। अब हम तीनों जो हमने पढ़े हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो उसके बीच में अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में अगर मतलब क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन जो होती है ना वो मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होती है, क्लियर। यदि कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और उसके डिस्टेंस और टाइम के बीच में आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, या तो कर्व मिलेगा या फिर जिगजैग जैसी लाइन होती है ना वो आपको मिलेगी, ओके। अब जो तीसरी कंडीशन होती है कि बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, रेस्ट वाली पोजीशन के अंदर है, ओके, मतलब स्टेशनरी कंडीशन के अंदर है, तो उसके अंदर जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो आप ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन तो मिलेगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस जो होता है ना वो उसके क्या होती है, पैरेलल होती है, ओके। तो हमने इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर क्या कवर किया है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो भी तीन कंडीशन के अंदर देखा कि जब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हैं, या फिर वो स्टेशनरी कंडीशन के अंदर होते हैं। तो तीनों तरह का जो ग्राफ है उसको हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है, इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ओके। और किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि आपको स्पीड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स जो है वो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।
अब हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अभी हमने इससे जो पहला जो मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, अब सबसे पहले जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें किसके लिए बनाना है, उन ऑब्जेक्ट के लिए बनाना है जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होते हैं वो उससे क्या करते हैं, मतलब मूव करते हैं। क्लियर? तो अब हम देखते हैं इसको कि इसमें किस तरह के ग्राफ बनते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन एज शोन बिलो। मतलब यदि आप मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आप बनाएंगे ना तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो आपको देखने को मिलती है। क्लियर? इसको अब हम समझते हैं। दूसरा है कांस्टेंट वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ वेलोसिटी इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और वो ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो यदि उसके भी आप क्या बनाएंगे, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे ना, तो उसमें भी आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो क्या होती है कि वो एक्स एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। क्लियर? तो मतलब जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करते हैं या जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो उन दोनों का जो ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन से में ही हमें देखने को मिलता है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड जो होती है वो क्या होती है, मतलब इक्वली रूप से क्या होती है वो, मतलब इक्वल रहती है। क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करते हैं या जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी शो करते हैं। तो यदि उनके बीच में आप वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं इन दोनों कंडीशन के अंदर, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होते हैं, आपको जो ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको मिलता है। ओके, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस इतना है कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ क्या मिलता है आपको, जब आप वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो उसके बीच में मतलब उसमें ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन में मिलता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो इस एक्स एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल होती है। क्लियर? पैरेलल होने का मतलब ये होता है कि मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो इक्वल, मतलब टाइम ऑफ इंटरवल जो होता है ना, उसका टाइम ऑफ इंटरवल तो इक्वल है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब हर एक मिनट के अंदर आप देखेंगे ना, यहाँ एक मिनट के अंदर की इसकी वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरा जो नेक्स्ट 1 सेकंड होगा उसके अंदर भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकंड होगी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ग्राफ आपको क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मिलता है। अब दूसरी सिचुएशन क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या करते हैं, मूव करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड जो होती है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर इक्वली रूप से क्या होती है, उसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ती रहती है। सपोज पहले 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड है, तो जो नेक्स्ट मतलब 2 मिनट जो है उसके अंदर भी क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड जो होगी क्या होगी, इक्वली रूप से क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, तो इस तरीके से जो हमें ग्राफ मिलेगा उस कंडीशन के अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा, वो क्या होगा, हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्लियर? लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो इस एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल नहीं होती है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा, जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से शो मूव करते हैं, जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करते हैं, उनका जो ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब जो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करते हैं, जो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो शो करेंगे उस वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होते हैं वो मतलब उसके अंदर पैदा होता है। ओके, डिराइव होता है। ओके, और उसका जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो देखते हैं कैसा मिलता है आपको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन एज अ जिगजैग लाइन एज शोन बिलो। तो जब आप मतलब जब जो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके अंदर डिराइव होगा। ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि इक्वल इन टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर
मतलब जो उनका स्पीड जो होता है वो कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, तो इस तरह का जो ग्राफ जब मिलता है ना हमें नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसके आप बीच में जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो आपको ऐसी जिगजैग लाइन मिलेगी। ओके मतलब तो मतलब जो टाइम जो है उसके अंदर उनकी वेलोसिटी कभी ज्यादा होती है, फिर कभी कम हो जाती है, फिर कभी ज्यादा कभी कम और फिर कभी ज्यादा। तो मतलब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड जो होती है वो क्या होती है, इक्वली रूप से क्या होती है वो मतलब नहीं बढ़ती है, मतलब कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो इस तरह के कंडीशन के अंदर जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, जिगजैग लाइन जैसा आपको ग्राफ मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हमने, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको क्या करा है, ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, इसलिए इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? अब हम तीनों का क्या कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन लगाना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन टी, मतलब उसके अंदर क्या एक्सीलरेशन है तो मतलब उसकी वेलोसिटी और जो टाइम जो होती है उसको आप डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, उसकी मतलब एक्सीलरेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करते हैं उनके वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो होती है वो इस टाइम एक्सिस मतलब इस एक्स एक्सिस के क्या होती है पैरेलल नहीं होती है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन तो शो कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर एक्सीलरेशन जो होता है वो डेवलप नहीं होता है। क्यों नहीं डेवलप होता है इस कंडीशन के अंदर, यदि क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, उनकी स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट स्पीड है, मतलब स्पीड के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, और स्पीड में जब तक चेंजेस नहीं आता है तो उनके अंदर जो एसिलेशन जो होता है वो जीरो होता है। क्लियर? तो जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उसकी जो मतलब ग्राफ जो बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो इस टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं थर्ड सिचुएशन जिसमें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल तो होता है लेकिन उनकी वेलोसिटी कभी कम कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा इस तरीके से क्या होती है हमें मिलती है। तो या तो हमें कर्व ग्राफ मिल सकता है या फिर जिगजैग लाइन जैसा ग्राफ मिल सकता है। तो अभी हमने इस टॉपिक के अंदर क्या समझा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो है उसका मतलब किस तरीके से मोशन करते हैं, उस मोशन को हम ग्राफ के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को प्रमोट करने के लिए उसे सब्सक्राइब करना ना भूले, लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।